यहाँ अंदर गया है। जल्दी करो। ध्यान से। रास्ता नहीं है दोस्तों। हा? मुझे रास्ता मिल गया। ओए, खूबसूरत है। जरा देख के। बाल बाल बच गया। दोस्तों संभल कर। अब ये क्या है? क्या यही दापंग का मंदिर है? दापंग का मंदिर? हाँ, दापंग का मंदिर। मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था। मैंने सोचा नहीं था कि ये सच है। यही है वो पंख तोड़ने वाला। ठीक है, चलो चल कर देखते हैं। राक्षस, तुम भाग नहीं सकते। हिलना मत। क्या सजा होनी चाहिए मेरे महल में घुसपैठ करने की? बंद कर दो इन्हें। इस मंदिर को अलविदा कहने का समय आ गया है। और ये खूबसूरत नहीं है। ये तो अद्भुत है। ये ट्रिप तो बहुत अच्छी है। तो खाना कौन खाएगा? मेरा झंडा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम यहाँ घूमने नहीं आए हो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम पंछी का पीछा कर रहे थे कि वो कहाँ जा रहा है। ऐसा है तो तुम अच्छे इंसान हो जिन्होंने हमारी मदद की। सैनिकों, इन्हें आने दो। हाँ चलो। तो तुम लोग यहाँ एक राक्षस को पकड़ने के लिए आए हो? क्या तुमने देखा है उसे? वो इसी तरफ आया था। क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है इसलिए मैं इसे खुद देखूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी उससे लड़ा है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक नहीं? है? नहीं। बच के। तुम बहुत दूर से आए हो। तुम सबको भूख लगी होगी। तुम हमारे यहाँ के स्वादिष्ट खाने का मजा लो। मुझे लगता है ये जाल है। कौन है तुम? मैं बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान, सुनहरा बाज हूँ। राजा हूँ इस महान साम्राज्य का। मजा आ गया। तुम वही राजा हो जिसके बारे में स्वीटी बोल रही थी। बेचारी गरीब चिड़िया, मैं उसके पंख ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। मैं वादा करता हूँ। वैसे तुमने खाने की बात की थी, चलो उसके बारे में बात करते हैं। खाने का मजा लो। समझो कि तुम्हारा ही घर है, पेट भर कर खाना। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम्हें कैसे पता स्वीटी के पंख तोड़ दिए गए हैं? वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है वो अपने पंखों को खोने के बाद कितनी दुखी थी? उसने पहले ही पंछियों का राज्य छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। बेचारी चिड़िया, मैं उस राक्षस को पकड़ लूंगा और बदला लूंगा चिड़िया का। वैसे ऐसा जो मैंने कहा था। किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारे जैसा राजा मिला। काली, राजा को उसके काम के लिए परेशान मत करो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। दोस्तों, मैंने पूरी बात नहीं बोली थी। ये इन पक्षियों का आपसी मामला है, हमें इनके बीच नहीं पड़ना चाहिए। तुमने सही कहा बबलू। तुम लोग हो गया। हमें पता तुम क्या कहती। तुम कहती स्वीटी ने नहीं छोड़ा, पर ये अच्छा आइडिया नहीं है। सही कहा। इसका मतलब सुनहरे बास को सब कुछ नहीं पता। ये थोड़ा अजीब है कि उसे राक्षस के बारे में सब पता है। मैंने भी देखा, वो भी किसी तरह से जुड़ा हुआ है। हमें नहीं पता कि ये वही शख्स है। मुझे लगता है ये गोल्डन बाज ने उस शैतान को छुपा रखा है। और अगर हमने उससे जाकर पूछा तो शायद वो क्या खाना नहीं खाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें पेट भरने की जरूरत है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। डबलो, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाना है,
मदद चाहिए क्या? नहीं, मैं कर लूंगा। ये लो अब ठीक है। मैंने सुना है कि तुम बब्लू डब्लू पार्क से हो। बहुत अच्छे। मैं भी बब्लू डब्लू पार्क में पैदा हुआ था, बहुत समय से वहाँ गया नहीं। मैं उस जगह को बहुत पसंद करता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या सुनहरा बाज सच में बहुत अच्छा है? हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं है बल्कि तेंदुआ भी आया था जिनकी हमारे राजा ने मदद की थी। सच है? हाँ? क्या उस तेंदुए की एक आँख खराब थी? बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम लोग तो बब्लू डब्लू पार्क से आए हो, ये तो संभव है कि तुम लोग उसे मिल नहीं पाए होगे। माफ करना, कल आसमानी यात्रा की प्रतियोगिता है, मुझे उस जगह को सजाना है। द स्काई टूर? तुमने इसके बारे में सुना नहीं? आसमानी यात्रा की प्रतियोगिता हमारे देश की शान है। हमारे राजा प्रार्थना करने के लिए आसमान में जाते हैं कि आगे आने वाले साल में सबके लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा है ना? खूब जश्न मनाया जाएगा, सभी यहाँ आएंगे। अरे तुम सो गए क्या? हो सकता है सुनहरा राजा बिल्कुल भी बुरा आदमी ना हो। सिर्फ एक ही तरीका है सच पता लगाने का, क्योंकि तुम पंख तोड़ने वाले राक्षस को संभाल लोगे, हम चलते हैं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। चलो भी जल्दी करो। कौन है वहाँ? लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। बड़ा अजीब है। ये कोई खेलने का वक्त नहीं है। मैंने सुना है यह कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सुरक्षा है, यही सुनहरे बाज का कमरा होगा। महाराज, आपने जो मंगवाया था मैं ले आया। एक आंख वाला तेंदुआ? बहुत अच्छे, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी सावधानी के साथ आया हूँ। खोलो इसे, जरा मुझे देखने दो। अभी लीजिए। तो ऐसा है? महाराज, मैं ठीक हूँ, बस एक मामूली सा घाव। हाँ। कौन है वहाँ? अब पता चला कि सुनहरा बाज हमारी मदद क्यों नहीं ले रहा था। माफ करना, क्या बोला तुमने? महाराज, यहाँ पर वही दोनों इंसान हैं। सैनिकों, हथियारे खिड़की के बाहर हैं। सुनहरा बाज ही पंख तोड़ राक्षस है। चलो निकले यहाँ से। कौन है? तुम हमें क्यों पकड़ना चाहते हो? सुनहरा बाज राक्षस है। इनके इरादे कुछ और हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, बंद करो इन्हें। जी हुजूर। लगता है वो दोनों भालू भी आसपास ही होंगे, ढूंढो उन्हें। बाय, लक्का और काली अभी तक बाहर नहीं आए हैं, क्या उन्हें कुछ हो गया है? हे, तुम उस तरफ जाओ। मैं खाने के बाद थोड़ा सा टहल रहा हूँ। चल पा रहे हो? उड़ना नहीं जानते क्या? मैं तो उड़ना जानता हूँ। अरे तुम, वो चले गए, आओ चलकर चेक करते हैं। नहीं, शुक्रिया। उन दोनों को पकड़ लो। यस सर। ओए भागो, भागने की कोशिश करो। तुम बच के नहीं जा सकते। मेरे कार रुक जाओ। तुम बच के नहीं जा सकते। रुको। रुको।
ये यहाँ की परंपरा है, कार्यक्रम शुरू होने के पहले बाहर वालों को उड़ने की इजाजत नहीं है। देख के नहीं चलती। मुझे माफ कर देना, मैं बस राजा को देखना चाहती थी और तुम्हारा सामान गिर गया। एक पंख। ए रुको, कौन हो तुम? तुमसे मतलब? रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा, सुनहरा बाजी पंख तोड़ राक्षस है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता बच्ची, वैसे भी राजा के पास पंख हरे नहीं है। वो जरूर भेष बदलता होगा। वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि गाली इधर आओ। हाँ? डब्ल्यू पार्क कितना खूबसूरत है ना? वहाँ के पर्वत, नदियाँ, जंगल, आसमान से झांकते हुए सफेद बादल, वो बस खूबसूरत है। ओ, बब्लू डब्लू पार्क मैंने कब से नहीं देखा, मुझे बहुत याद आ रहा है। मैंने जहाँ जन्म लिया वो घर कितना प्यारा है, मुझे दिखाओ। मुसीबत में फंस गया। आसमानी यात्रा की परंपरा अब शुरू होने वाली है और अब आपके सामने है पहली प्रस्तुति। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? महाराज इससे पूछिए। महाराज जरा देखिए। ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं जांच करूँगा कि वो राक्षस कौन है जो पंख चुराता है, लेकिन इस समारोह के बाद जा सकती हो। महाराज ये इसका सामान है। मैंने कहा ना, मैं इस मामले को देखूंगा, जा सकती हो तुम। अपने राजा का आदेश नहीं सुना तुमने? मूर्ख, ये सब चीजें हटाओ यहाँ से। राजा, अब बुरी खबर, वो लोग भाग गए। क्या? उनका पीछा करो। राजा, मैं जाता हूँ। रुको, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, इन पंखों को मेरे पास छोड़ जाओ, जाकर सैनिकों की मदद करो। महाराज क्या तुम लोगों को कुछ मिला? कुछ भी नहीं। मुझे भी कुछ नहीं मिला। ये तो एक खुफिया कमरा है, इन पंखों पर रंग लगा हुआ है। ये तो उस पंछी के नहीं है। पंख इकट्ठे करना और उसे रंगों से रंगना, ये बेशक पंख तोड़ राक्षस है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? हो सकता है ये पंख तो रास्ता बताने वाले की तरह है, तो सुनहरा बाजी राक्षस और रास्ता बताने वाला है। आतिशबाजी, वो ये करके अपना सबूत मिटाना चाहता है। हमें उसे रोकना ही होगा। राक्षस अब तुम भाग नहीं सकते, वो सबूत मिलने से उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। सैनिकों, दुश्मन मेरे कमरे में है। यस सर। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो घेर लो इन्हें, बचकर जाने ना पाए। रुको, रुको। अरे उसने सैनिक भेज दिए हैं, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। देखो महाराज आ गए। अब शुरू होता है पटाखों का प्रदर्शन। अरे वाह, राजा के पंख कितने सुंदर हैं। वो क्या है? पंख तोड़ राक्षस, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम इंसान कभी ये समझ नहीं सकते, आसमान बहादुरों के लिए बना है। तो फिर देखते हैं कौन बहादुर है। तो फिर सामना करो। आगे बढ़ो। काली चलो चलो भागो यहाँ से।
काली सावधानी से काली अब मेरी बारी पकड़ लिया छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे जाने दो क्या तो तुम दूसरे पक्षियों के पंख तोड़ते हो अपनी हकीकत छुपाने के लिए काली काली अरे अरे पंखों की बारिश मेरे पंखे मेरे पंखे बहुत बहुत शुक्रिया काली मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था सचमुच यही लोगों के पंख चुरा रहा था इसने हमें बेवकूफ बनाया दोस्तों स्वीटी मैं खुद पूछना चाहूंगी इससे मुझे बताओ सच्चाई क्या है मम्मी इसके पास बहुत सारे पंख हैं राक्षस कहीं के ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं एक राजा हूँ इतने बड़े महान साम्राज्य का मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस राज्य को सुरक्षित रखने में लगाई और एक दिन रुक जाओ इस तरह से गिरना बंद करो मेरे पंखों मेरा साथ मत छोड़ो सरकार आप पिछले 3 महीने से बाहर ही नहीं निकले दोबारा मुझे परेशान मत करना आसमानी यात्रा शुरू होने वाली है आसमानी यात्रा एक ऐसा समारोह है जिसके लिए लोग अपने राज्य का समर्थन करते हैं और मैं इसे रद्द नहीं कर सकता था मैं सबको ये बताना चाहता था कि हमारा राज्य एक मजबूत राजा के हाथ में है न कि एक ऐसे राजा के हाथ में जिसके पंख गिर रहे हैं और वो उड़ तक नहीं सकता क्या तुम वो 3 नियम भी भूल गए जो तुमने खुद बनाए थे मुझे यकीन है इन्हें याद होंगे ये शोर बंद करो मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत तुमने हमें धोखा दिया है हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे देश निकाला राजा ने तुम्हारे बारे में इतना सोचा है कि उससे गलती हो गई और उसने गलत काम कर दिया क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है तो मैं कहना चाहती हूँ कि उसे एक मौका दो अरे तीसरा नियम तो भूल गए तीसरा नियम जिस पक्षी से गलती हो जाए उसे सजा नहीं देनी चाहिए उसे माफ कर देना चाहिए इसलिए मेरे साथी मेरी गलतियों और आलसीपन को माफ कर देते हैं अगर उसने दोबारा पंख तोड़े तो मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए महाराज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत है आप हम पे हुकूमत करो तुमने मुझे माफ कर दिया मुझे लगता है ये अच्छा राजा है दोस्तों आसमान का समारोह शुरू करो बहुत अच्छे हमें राजा मिल गए अब पंछी दोबारा खुशी से रह सकते हैं क्योंकि पंख तोड़ने वाला राक्षस खत्म हो गया है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अपने बारे में अच्छा लग रहा है लगा तुम नाखुश क्यों लग रहे हो काली ने सारी सुने दे दी मेरे पास कुछ भी नहीं है मुझे कैसा लगेगा तुम बहुत कंजूस हो ये ओस की बूंदे जिन्हें काली और उसके दोस्त छोड़ गए हैं हो सकता है इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं आपके पंखों को क्या हो गया हमें एक बहादुर राजा चाहिए न कि एक खूबसूरत राजा तुम इसे आजमाना मेरा वादा है कि तुम इस बात को समझ जाओगे दोस्त उम्मीद करता हूं तुम जल्दी ठीक हो जाओ उम्मीद करता हूं कि महाराजा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे सूरज का डूबना कितना खूबसूरत है महाराज शुक्रिया दोस्तों मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा
Wow, 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 wow.